कि पिच में भूत घुसा हुआ है। चल जीत गया है ना, चांसेस है ना। दिल्ली की स्थिति बड़ी खराब है इस बार। लखनऊ तो बहुत बढ़िया टीम है, कल हार के अलग बात है, नहीं तो चलिए देखा जाए। पहले मानस से शुरू करते हैं बच्चा। ठीक है, मानस नाउन है बच्चा, वाइल्ड लाइफ नाउन है, सेंचुअरी नाउन है। सेंचुअरी क्या होता है? नाउन होता है। सेंचुअरी का मतलब होता है सेफ प्लेस। सेंचुअरी की क्या मीनिंग होती है बच्चा? सेफ प्लेस। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी कहने का मतलब होता है इट्स अ सेफ प्लेस फॉर द वाइल्ड लाइफ, इट्स अ सेफ प्लेस फॉर द वाइल्ड लाइफ। ये वन्य जीवों के लिए सेफ प्लेस है, मतलब यहां पे उनको कोई भी खतरा नहीं है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंचुअरी। तो मानस है नाम, आगे देखेंगे। अ आर्टिकल, बायोडायवर्सिटी नाउन, हॉटस्पॉट नाउन। तो यह एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो हॉटस्पॉट समझा दिए थे बच्चा, बायोडायवर्सिटी आपको हम समझा चुके हैं, याद है ये दोनों शब्द? ठीक है, समझा ही देते हैं। देखो, बायोडायवर्सिटी कहने का मतलब होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजी में दो चीज़ें आ जाती हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में आ जाते हैं पेड़ पौधे, और जूलॉजी में आ जाते हैं आपके, जूलॉजी जिसको कहते हैं, उसमें आपके आ जाते हैं जीव जंतु। तो कहने का तात्पर्य होता है कि वहाँ पे अलग अलग तरह के जीव जंतु और वहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और ये हॉटस्पॉट है। ठीक है, यह क्या है? जयराम जी की बच्चा, हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट कहने का मतलब है बहुत ज्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, चलिए बच्चा आगे देखा जाए। द आर्टिकल मानस नाउन, वाइल्ड लाइफ नाउन, सेंचुअरी नाउन इज ऑक्सिलरी वर्ब, सॉरी मेन वर्ब, लोकेटेड एडजेक्टिव है इन प्रिपोजिशन। द आर्टिकल स्टेट नाउन ऑफ प्रिपोजिशन आसाम नाउन। तो मानस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी है वो आसाम में स्थित है बच्चा। ठीक है, कहाँ स्थित है? आसाम में। अच्छा, मुझे जैसे तुम लोग थोड़ा मतलब मालूम भगवान इत्यादि को फॉलो करते हो, तो भगवान को फॉलो करते हो या उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हो? जैसे हनुमान जी को फॉलो करते हो, हनुमान जी की टीचिंग्स को, कि हनुमान जी कैसे थे? जैसे मान लो कि भाई अक्षय कुमार है, तो हम लोग अक्षय कुमार के फैन होते हैं लोग, तो आप अक्षय कुमार के फैन हैं या फिर अक्षय कुमार फिल्मों में जो कैरेक्टर था उसके फैन है? फिल्मों में जो कैरेक्टर था उसके फैन है। ठीक है, तो उसकी आंखों, उसके हाथ, उसके बाल के भी तो फैन होते हैं लोग, सुंदर हैं तो भी लोग फैन हो जाते हैं। तो भगवान के अगर आप प्रशंसक हैं तो क्यों हैं? सुंदर दिखते हैं इसलिए, या फिर उन्होंने जो अपने जीवन में कार्य किए उसके लिए, कार्य के उसके लिए सुंदर ही एक एडिशनल बोनस है, एडेड बोनस है। तो अगर हमको वो प्रिय है, तो प्रिय होने का मतलब जैसे अगर आप हमको पसंद करते हैं कि अच्छे टीचर हैं, तो आप क्या कीजिएगा? मेरी फोटो का वॉलपेपर लगाइएगा या फिर हमारी टीचिंग्स को फॉलो कीजिएगा? कि सर, क्योंकि आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ गुड टीचर मीन्स कि हम जो सलाह देते होंगे एज अ टीचर वो सही होगी। तो अगर भगवान राम को आप फॉलो करते हैं, तो भाई उन्होंने जो किया या उनके जीवन से वो सीखना चाहिए, पहला तो वो होना चाहिए अपना टारगेट। तो अगर आप बजरंग बली को फॉलो करते हैं, तो पहला टारगेट क्या होना चाहिए? हाँ, जो कार्य किए वो। तो थोड़ा एक तो अपना ध्यान रखिए कि आप किसी को प्रोटेक्ट कर सके, अपने मित्र को, अपने परिवार को, तो थोड़ा क्या होना चाहिए? फिजिकली अपना स्ट्रांग रहना है, अपने मित्र के प्रति लॉयल रहना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सिर्फ ईश्वर को फॉलो मत कीजिए। 5,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो पार्टी देंगे ना? ठीक है, बिल्कुल। हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, आप सभी ध्यान से देखिएगा। YouTube पे अभी तक हमने कितने क्लासेस ली हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट लेट मी शो यू समथिंग, लेट मी शो यू समथिंग, आपको अंधेरे में ना रखा जाए।
आज तक हमने YouTube से जो भी पैसे कमाए हैं सब आपका दिया हुआ है, हमने जो आपको पढ़ाया वो अलग बात है। हाँ, ऐड का जो इनकम है, ठीक है, आज तक की मेरी जीवन भर की जो इनकम है YouTube की, लाइफ टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ, $86 है। तो $86 को अगर आप 80 से ही गुना कर देते हैं, जीरो रखते हैं, 8 6 48, 7 में बचा 4, 8 64, 4 68, तो 6,880 रुपये आएंगे। 4,000 के करीब वीडियोस हैं बच्चा, हमने बना के रखी हैं, तो 1.5 रुपये प्रति वीडियो। तो अगर हम ए अलग के नाम पे दे दे भी मांगते तो हमको प्रति व्यक्ति 2 रुपये का सिक्का तो मिलता ही, तो भी हमारी स्थिति इससे थोड़ी बेहतर होती। दूसरा, YouTube पे आउट तब करेगा जब ये 100 हो जाएंगे, $100 हो जाएंगे, ठीक है। तो सन 2018 में हमने शुरू किया था, इफ़ यू कैन सी, आई स्टार्टेड इन द ईयर 2018, तो 5 साल में हमने $86 कमाए हैं, ठीक है। 5 साल में कितने कमाए हैं बच्चा? $86। तो इस स्पीड से हमें लगता है कि अगले 2 साल और अगर हम मेहनत करेंगे तो हम $100 पे पहुंच जाएंगे, तब हमको YouTube पे आउट करेगा। फिर इस पैसे का आप जो बोले वो, अगर आप बोले तो आपकी याद में हम एक मुजस्समा भी तैयार करवा देंगे, ठीक है। ये पैसे आपके हैं, कोई दिक्कत? आगे चले मनीष जी, पढ़ लें थोड़ा। ये पैसे आपके हैं, मैं आप ही को समर्पित करता हूं। तेरा तुझको अर्पण करत क्या लागत मेरा, है ना? कोई दिक्कत? वो है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत मेरा। देखा जाए बच्चा, बच्चे को पढ़ाई से मतलब नहीं है, ठीक है। आगे देखा जाए बच्चा, नहीं देखो, अब और हमें इन चीजों से इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर कोई मेरी वीडियोस नहीं देख रहा तो ये उसका लॉस है, ये उसका लॉस है, अपना क्या, ठीक है। चलिए, इट प्रोनाउन है बच्चा, स्ट्रेचेस वर्ब का 5वां रूप है, अक्रॉस प्रिपोजिशन एन आर्टिकल एरिया नाउन ऑफ प्रिपोजिशन, और ये संख्या है और ये नाउन है बच्चा, फुल फॉर्म लिखा रहता था, हेक्टेयर्स लिखा रहता। अच्छा, जो भी पूछा हो उसी को समर्पित है, ठीक है। और दूसरा, उसमें से अपना काट लेना है क्योंकि 5,000 सब्सक्राइबर है तो उसको 5,000 से फिर भाग भी देना होगा ना, ठीक है। तो 8,000 को अगर हम लोग 5,000 से भाग देंगे, सॉरी 80 कर दिया हमने, सभी सब्सक्राइबर का 1 रुपया 60 पैसे पड़ेंगे, उसमें कुछ खर्च करना है, बाकी बचा के रखना है भविष्य के लिए, ठीक है। आगे देखा जाए, एंड कंजंक्शन, एंड के दोनों तरफ द स्ट्रक्चर शुड बी द सेम बच्चा, तो इधर भी फाइव है तो इधर भी V5 है, द आर्टिकल मानस नाउन रिवर नाउन, ठीक है। तो यह जो इलाका है ये 39,100 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और मानस नदी जो है, मानस नदी के साथ साथ यह सेंचुरी है। देखो सेंचुरी में क्या होता है बच्चा, कि मतलब वहाँ पे द कंडीशंस आर राइप, कंडीशंस ऐसी हैं कि वहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधों को फलने फूलने का मौका मिलता है। तो इनके फलने फूलने के लिए बहुत सारी कंडीशन है, उस कंडीशन में एक कंडीशन होती है पानी, पानी होना चाहिए, ठीक है। आगे, मोबाइल हॉटस्पॉट तो कल भी समझाते हैं बच्चा, हॉटस्पॉट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हॉटस्पॉट हो सकता है, मोबाइल में वाईफाई का हॉटस्पॉट होता है, ठीक है। मान लो कहीं पे दंगा हो गया, तो जहां पे सबसे अधिक दंगा हुआ वो दंगे का हॉटस्पॉट हो जाएगा, समझ गए। तो हॉटस्पॉट की मीनिंग होती है एन एरिया विथ इंक्रीज्ड एक्टिविटी, जहाँ पे क्या हो, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो, जिस क्षेत्र जिस चीज़ का वो हॉटस्पॉट है वो एक्टिविटी वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। कोई जगह वहाँ बहुत क्राइम होता है तो क्राइम का हॉटस्पॉट है, तो ये किस चीज़ का हॉटस्पॉट है, बायो डाइवर्सिटी का, यानी यहाँ पे बायो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ये तो मार वाला होगा जो हमने उदाहरण दिया, इसको साइड करो,
अ प्लेस वेर इज देर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी और एंटरटेनमेंट, बट यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी नहीं जा रहा है, एक्टिविटी वाला ही जाएगा ना, ठीक है। एक तो गर्म हो तो उसको भी हॉटस्पॉट कहेंगे ही, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो। कंप्यूटर स्क्रीन लोडिंग ऑफ आर प्लेस इन होटल रेस्टोरेंट एंड दैट इज फिटेड विद स्पेशल डिवाइस जहाँ पे वाईफाई मिले तो उसको भी हॉटस्पॉट कहते हैं, बट उसके लिए शब्द होता है वाईफाई हॉटस्पॉट। तो बहुत सारी मीनिंग है, अपना देख लिए, हमने आपको सारे ही उदाहरण दे दिए थे। तो वाईफाई हॉटस्पॉट होता है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, चलिए कोई क्राइम का हॉटस्पॉट हो सकता है। चलिए आगे देखा जाए बच्चा, द आर्टिकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाउन हो जाएगा इज मेन वर्ब पार्ट नाउन ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल कोर नाउन एरिया नाउन कोर एडजेक्टिव भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल मानस नाउन टाइगर नाउन रिजर्व नाउन। तो इसी में मानस टाइगर रिजर्व भी है बच्चा। तो अब समझो क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब, सभी जीव जंतुओं की रक्षा करनी है, फोकस किस पे रहेगा हमारा, टाइगर्स पे। फोकस किस पे रहेगा, टाइगर्स पे। इट प्रोनाउन कंप्राइजेस वर्ब का पांचवा रूप अ आर्टिकल मिक्स नाउन ऑफ प्रीपोजिशन फॉरेस्टेड एडजेक्टिव हिल्स नाउन एलुवियल एडजेक्टिव ग्रासलैंड्स नाउन एंड कंजंक्शन ट्रॉपिकल एडजेक्टिव एवरग्रीन एडजेक्टिव फॉरेस्ट नाउन एंड कंजंक्शन इज मेन वर्ब होम नाउन टू प्रीपोजिशन इंडेंजर्ड एडजेक्टिव स्पीशीज नाउन सच एज इडियम है द आर्टिकल टाइगर्स नाउन ग्रेटर। अब देखोगे यहां पे ग्रेटर को एडजेक्टिव कोई नहीं लिखेगा, ध्यान दोगे क्यों, इसको कंपाउंड नाउन लिखो, लेकिन अगर एडजेक्टिव लिख दिया है तो गलत नहीं है, बट कंपाउंड नाउन लिखना ज्यादा इसलिए सही होगा क्योंकि ये ग्रेटर हराइनो नहीं है कि भाई किसी दूसरे से ज्यादा बड़ा या ज्यादा महान है, इसका नाम है, इसका नाम है, ठीक है। बंगाल नाम है, फ्लोरिकन नाउन है, स्वाम्प डियर नाउन है, पिग्मी हॉग नाउन है, इंडियन एलिफेंट नाउन है एंड कंजंक्शन सो ऑन इडियम है। इंडियन को एडजेक्टिव लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे इंडियन एलिफेंट प्रजाति है, इंडियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट का थोड़ा कलर अलग होता है और कान का फर्क होता है अफ्रीका के हाथी और भारत के हाथी में। चलिए मीनिंग समझ ले बाबू। इट कंप्राइजेस, कल ही बताए थे ना, कंप्राइज एक्टिव वॉइस में रहेगा तो ऑफ नहीं लगेगा, पैसिव वॉइस में उसके साथ ऑफ लगता है। तो इसमें कई तरह की चीजें आपको मिलेंगी, फॉरेस्टेड हिल्स यानी पहाड़ जिन पे जंगल है, एलुवियल ग्रासलैंड्स, एलुवियल मतलब होता है ये जलोढ़ मिट्टी, नदी के दोनों तरफ जो मिट्टी पाई जाती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी में घास के मैदान होंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा यहाँ गर्मी पड़ती जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर विषुवत रेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, और यहाँ पे कई तरह के इंडेंजर्ड स्पीशीज पाई जाते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब वो जीव जाति जिनकी संख्या कम है या खत्म होने के कगार पे है, जैसे कि शेर, गैंडा, ये हमको नहीं पता चल रहा बच्चा, फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन, हिरन विरन की कोई प्रजाति हो सकती है, थोड़ा हम इसको देख लेते हैं क्योंकि जानवर का नाम है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको सारे जानवर का नाम पता नहीं है। फ्लोरिकन पक्षी है बच्चा, ठीक है, ये पक्षी है बंगाल फ्लोरिकन, ठीक है। स्वाम्प डियर हिरन है, पिग्मी हॉग सुअर है, और भारतीय हाथी, और इस तरह के कई सारे जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। क्या पेलिकन, नहीं 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 फ्लोरिकन अमेरिकन पक्षी नहीं, बंगाल फ्लोरिकन लिखे हुए, हाँ। चलिए बच्चा, नंदा देवी हिल्स था ना एक, ठीक, हाँ बच्चा बर्ड है, देखिए हम भी। अब इतना तो तुमको पता होना ही चाहिए कि भैया ये तो यहाँ पे थोड़े जो शब्द हैं बायोलॉजी के, फिजियोलॉजी के, ईवीएस के भी हो सकते हैं, तो सब शब्द पता हो ये जरूरी नहीं है। नंदा देवी नाउन है, एंड कंजंक्शन वैली नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन फ्लावर्स नाउन है, नेशनल पार्क्स।
तो राष्ट्रीय उद्यान है जिनका नाम है नंदा देवी और फूलों की घाटी। स्प्रेड तो वर्ब का तीसरा रूप, एडजेक्टिव की तरह एक्चुअली यूज हो रहा है, इट इज स्प्रेड अक्रॉस करके। था कहाँ है? भीतरी है। अक्रॉस प्रीपोजिशन एन आर्टिकल एरिया नाउन ऑफ प्रीपोजिशन 71,210 न्यूमरल एडजेक्टिव हेक्टेयर नाउन, बोथ एडजेक्टिव पार्क्स नाउन आर मेन वर्ब लोकेटेड एडजेक्टिव इन प्रीपोजिशन उत्तराखंड नाउन एंड कंजंक्शन आर मेन वर्ब लिखो नोटेड एडजेक्टिव फॉर प्रीपोजिशन देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव इमेंस एडजेक्टिव डाइवर्सिटी नाउन एंड कंजंक्शन डेंसिटी नाउन ऑफ प्रीपोजिशन फ्लोरा एंड फौना नाउन है बच्चा। फ्लोरा नाउन एंड कंजंक्शन फौना नाउन। फ्लोरा एंड फौना का मतलब क्या होता है? जीव जंतु पेड़ पौधे। वाइल कंजंक्शन है द आर्टिकल। अच्छा सॉरी मीनिंग समझा दें तो यह 71,210 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ है बच्चा। और ये जो दोनों पार्क हैं ये दोनों ही पार्क उत्तराखंड में पड़ते हैं और इन्हें जाना जाता है बहुत ज़्यादा डाइवर्स फ्लोरा और फौना के लिए। बहुत ज़्यादा विविधता है ठीक है। जैसे हम लोगों के यहाँ जैव विविधता के नाम पे क्या है? जैसे हम लोग गमले में पौधे लगाते हैं। तुम्हारे घर में पौधे हैं बच्चा? अड़हुल है, सदाबहार, सदा सुहागिन? नहीं लगाए हुए सब? क्या लगाए हो? ये तो अपना फेवरेट पौधा है बिहार का। अगर हम लोग गमले में लगाएंगे तो अड़हुल लगा देंगे। हाँ एलोवेरा भी सबके यहाँ रहता है, अब मनी प्लांट भी रहता है, तुलसी है ठीक है। अड़हुल नहीं है, कनेल। अच्छा कनेल होगा। ये सारे कॉमन फ्लावर्स है बट यहाँ बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे अलग अलग तरह के मिलेंगे। वाइल कंजंक्शन द आर्टिकल नंदा देवी नेशनल पार्क कंपाउंड नाउन इज ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब जो लिखो, सिचुएटेड वर्ब का तीसरा रूप एडजेक्टिव जो लिखो दोनों चलेगा। नियर प्रीपोजिशन नंदा देवी नाउन, इंडिया नाउन है, माउंटेन नाउन है और माउंटेन नाउन के पहले एक एडजेक्टिव है। टेंस वाली पीडीएफ, एक सेकेंड प्रज्वल रुक जाओगे, इसलिए रुक जाओगे बच्चा क्योंकि अभी रिमाइंड किया तुमने, फिर मे बी आई विल फॉरगेट, हम भूल भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 500 काम रहते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ बाबू, हम दे ही देते हैं तो फिर आई विल बी फ्री, आई विल बी फ्री फ्री फ्री। एक सेकेंड, हाँ प्रज्वल बच्चा डाल दिए ठीक है ग्रुप में, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा सभी लोग ठीक है। बाकी सारा काम का चीज़ डाला हुआ है ग्रुप में, चलिए ठीक है आगे देखा जाए। हाँ फ्लोरा मतलब प्लांट होता है बच्चा, चलिए देखा जाए। तो सेकेंड हाईएस्ट एडजेक्टिव हो जाएगा बाबू, माउंटेन नाउन हो जाएगा। तो जो नंदा देवी है भारत का दूसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी है, 7,817 मीटर हाई, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है ध्यान रहेगा। तो द आर्टिकल वैली नाउन ऑफ प्रीपोजिशन फ्लावर्स नाउन नेशनल पार्क कंपाउंड नाउन इज मेन वर्ब फेम्ड एडजेक्टिव फॉर प्रीपोजिशन कारपेटिंग वर्ब का चौथा रूप द आर्टिकल एरिया नाउन विथ प्रीपोजिशन अ आर्टिकल वाइब्रेंट एडजेक्टिव डिस्प्ले नाउन ऑफ प्रीपोजिशन एंडेमिक नाउन एल्पाइन नाउन फ्लावर्स नाउन ठीक है। अब ये जो नंदा देवी पर्वत है ये दुनिया का भारत का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है और उसकी घाटी है उसको कहते हैं फूलों की घाटी। ये फेमस है कि यहाँ पे जो चादर बिछ जाती है कार्पेटिंग, चादर बिछ जाती है फूलों की और ये जो फूल होते हैं ना वो वाइब्रेंट होते हैं। वाइब्रेंट मतलब चटक कलर के, तेज एकदम कलर ठीक है, नीला पीला बैंगनी गुलाबी इस तरह का ठीक है।
और ये सारे के सारे जो फूल होते हैं एंडेमिक यानी यहीं पाए जाते हैं। एल्पाइन शब्द की मीनिंग थोड़ा देख लेते हैं बच्चा, एल्पाइन की क्या मीनिंग होती है। ठीक है, एल्पाइन की मीनिंग क्या होती है? पहाड़ों पे पाए जाने वाले यानी पहाड़ी फूल। ठीक है, वाइब्रेंट का मतलब हो जाएगा बच्चा चटक, चटक समझते हो, एक्सट्रीम रेड, एक्सट्रीम येलो, एक्सट्रीम वायलेट, एक्सट्रीम पर्पल, गहरा गहरा, उसको वाइब्रेंट कहेंगे, चमकीले रंग। ये नहीं कि सफेद है हल्का पीला है, उस तरह के रंग नहीं, चटक रंग, समझ गया? ठीक है, चलिए आगे। तो एंडेमिक का मतलब समझ गया, उसी जगह के लोकल। एल्पाइन मतलब पहाड़ी, फ्लावर्स मतलब फूल। यू प्रोनाउन कैन मॉडल वर्ब ऑल्सो एडवर्ब फाइंड भी वन रेयर एडजेक्टिव एंड कंजंक्शन इनडेंजर्ड एडजेक्टिव एनिमल्स नाउन। और यहाँ पे आपको रेयर यानी मुश्किल से मिलने वाले और इनडेंजर्ड यानी खतरे में जो जीव है वो भी मिल जाएंगे, सच एज ईडीएम है उदाहरण के लिए द आर्टिकल एशियाटिक ब्लैक डियर कंपाउंड नाउन लिखे, नहीं तो एशियाटिक एडजेक्टिव ब्लैक एडजेक्टिव डियर नाउन, ब्लू एडजेक्टिव शीप नाउन, स्नो लेपर्ड नाउन है, ब्राउन बियर नाउन है, एंड सो ऑन। ईडीएम है, हियर एडवर्ब है। उन जीवों में है एशियाटिक ब्लैक बियर काला भालू, नीला भेर, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर और भी चीज़ें। सीन वर्ब का तीसरा रूप हियर एडवर्ब है, इज मेन वर्ब, द आर्टिकल, वैली नाउन, ऑफ प्रिपोजिशन, फ्लावर्स नाउन, इन प्रिपोजिशन, द आर्टिकल, हिमालयन एडजेक्टिव, माउंटेन्स नाउन। और नीचे चित्र में दिखाया जा रहा है हिमालय के माउंटेन्स में वैली ऑफ फ्लावर्स को। ठीक है, यही है वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है बच्चा, बताइए कितना सही कितना गलत हुआ। डिस्प्ले में देखे वो तो न्यूज़ में आ रही होगी। देखो बच्चा, इसमें जो घटना है वो हुई है केरल में, वो सत्य घटना पे आधारित है। अच्छा टोटल बताओ बच्चा, दोनों जोड़ करके हिसाब। सत्य घटना पे आधारित, ऐसा होता है, इरेगुलर न्यूज़ में आती है, न्यूज़ दब जाने से बातें गलत नहीं हो जाती हैं, तो आप देख सकते हैं 15 के करीब है ना। ठीक है, रेगुलरिटी रेगुलर अनित एक कौन सा एक एडवर्ब गलत हुआ है। ठीक है, आ सकता है, कहाँ पे है? अक्रॉस, तो कई बार बोलते हैं ना कि प्रीपोजिशन भी लिख सकते हो उसको एडवर्ब भी लिख सकते हो। प्रीपोजिशन लिखोगे तो बाद वाले नाउन से उसको रिलेट करोगे, और एडवर्ब लिखोगे तो पीछे वाले वर्ब से रिलेट करोगे। ठीक है बाबू, कल का होमवर्क लिया जाए। एक सेकेंड रुक जाइएगा। चलो बच्चा, नो योर इडियम्स, फिर आ गया है इडियम्स। ठीक है, देखा जाए, दो इडियम देख लेंगे हम लोग, तो एक देख लेते हैं हम लोग फ्रेश एज अ डेजी और फिट एज अ फिडल। कौन सा देखेंगे? फ्रेश एज अ डेजी और दूसरा देख लेंगे फिट एज अ फिडल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, हम देखते हैं बच्चा, हम ये सब देखते हैं। ठीक है अगला। हाँ वो तो पूछता ही है। अगला हम लोग देखेंगे फिट एज अ फिडल। ठीक है, तो ये कल दो इडियम देख लेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ फोटो नहीं खींच ली क्या करते हो? हाँ वो तो लिख ली, लेकिन जिसे पूरा कंटेंट नहीं ना लिख पाओगे आप। ठीक है चल, हम देख लेते हैं बच्चे, हम फिल्म में देखते हैं।